चैनल कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने टंग का यूज़ करके कैसे अपनी फीमेल पार्टनर जो है उसको उत्तेजित कर सकते हो, उसको गर्म कर सकते हो। जैसे ही आप बेडरूम में गए हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, उस दौरान आपको अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको गर्म करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टंग का यूज़ करना है, अपने होठों का यूज़ करना है। इसका यूज़ करके अब आप बहुत ही जल्दी अपनी जो फीमेल पार्टनर है, अपनी जो पत्नी है, उसको गर्म कर सकते हो। क्या करना है आपको, अपने होठों को उनके बॉडी के जो सेंसिटिव पॉइंट है ना, वहाँ पे आपको चूसना है, चाटना है, अपने टंग का यूज़ करना है, वहाँ पे रगड़ना है। इससे आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाएगी और आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस चीज़ को करेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपके जो पार्टनर है वो, आप कभी सोचे नहीं, जीभ का यूज़ करते हो ना, अपने पार्टनर के कानों पे चाटते हो, उनके नेक पे चाटते हो, उनके दोनों स्तनों को चूसते हो, उसमें टंग को निपल के आसपास फेरते हो, उनके पेट पे किस करते हो, टंग का यूज़ करते हो, उनका जो नीचे का पार्ट है वेजाइना, क्लिट पे अगर जीभ अगर आप फेरते हो, तो बहुत ही जल्दी आपकी वाइफ जो है वो गर्म हो जाएगी और आपको इनकार नहीं कर पाएगी उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को आप करने के लिए बेताब हो। तो इस तरीके से आप अपनी वाइफ को अपने जीभ का यूज़ करके पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, तृप्ति दिला सकते हैं उस चीज़ को, कि वो फील कर पाए कि वो कहीं और ही दुनिया में है। इस टाइप से वो फील करेगी, उसको बहुत ही अच्छा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी वाइफ को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, चरम सुख का जो आनंद होता है ना, उस चीज़ की प्राप्ति उसको करा सकते हैं। देन आप देखोगे कि आप इस तरीके से उसको प्यार करते हो, उसके पूरी बॉडी को प्यार करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी वाइफ जो है धीरे धीरे इस चीज़ को वो आप पे भी अप्लाई करेगी, आपको भी किस करेगी और आपको भी टच करेगी।